हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों आज बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्रीकल्चर की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का 43 नंबर का पार्ट है, 42 में अपलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर वन, विश्व का पहला कार्बनिक कीटनाशी है BHC, एंडोसल्पान, DDT, क्लेथेन। तो दोस्तों जो विश्व का पहला कार्बनिक कीटनाशी है वो है DDT। दोस्तों DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लेरेथेन, और दोस्तों BHC का पूरा नाम है बेंजेन हेक्जा क्लोराइड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, DDT। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में से लाल प्याज की किस्म है उदयपुर 101, उदयपुर 102, अर्पिता, ए और बी। तो दोस्तों जो लाल प्याज की किस्म है वो है उदयपुर 101। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, उदयपुर 101। और दोस्तों उदयपुर 102 सफ़ेद प्याज की किस्म है, और दोस्तों अर्पिता पीले प्याज की किस्म है। क्वेश्चन नंबर थ्री, सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है बथुआ की पत्तियों में, धनिया की पत्तियों में, नीम की पत्तियों में, सरसों की पत्तियों में। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है वो पाया जाता है धनिया की पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर फोर, गूगल का वानस्पतिक नाम है कोलीफोरा मुकुल, जेट्रोफा कर्कस, पेपेवर सोमनिफेरम, एजा डिरेक्टा इंडिका। तो दोस्तों जो गूगल का वानस्पतिक नाम है वो है कोलिफोरा मुकुल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, कोलिफोरा मुकुल। और दोस्तों जेट्रोफा कर्कस रतनजोत का वानस्पतिक नाम है, और पेपेवर सोमनिफेरम दोस्तों ये अफीम का वानस्पतिक नाम है, और एजा डिरेक्टा इंडिका दोस्तों ये नीम का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत में पुष्पों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल है राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो पुष्पों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो है कर्नाटक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर सिक्स, राष्ट्रीय बोटनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय बोटनिकल गार्डन है वो है लखनऊ में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर सेवन, कुछ पौधे अन्य पौधों पर उग जाते हैं कहलाते हैं सोड कल्चर, इकोलॉजी, इफिफाइट, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों कुछ पौधे जो होते हैं अन्य पौधों पर उग जाते हैं, तो ऐसे पौधों को इफिफाइट कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, इफिफाइट। क्वेश्चन नंबर एट, फूल के सजावट का प्रबंधन जो किसी की शादी, जन्मदिन आदि अवसरों पर भेंट किया जाता है कहलाता है बुकेट, नेक्टर, गुलदस्ता, ए और बी दोनों। तो दोस्तों जो सजावट का जो प्रबंधन होता है फूलों का उसको बुकेट कहा जाता है और गुलदस्ता भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ए और बी। क्वेश्चन नंबर नाइन, CPCRI कहाँ पर स्थित है। दोस्तों CPCRI का पूरा नाम है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों इसकी लोकेशन पूछी जा रही है, ऑप्शन है केसरगढ़, हनुमानगढ़, गुड़गांव, नासिक। तो दोस्तों CPCRI केसरगढ़ में स्थित है, और दोस्तों केसरगढ़ केरल में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, केसरगढ़। क्वेश्चन नंबर टेन, भारत का सब्जियों के क्षेत्रफल व उत्पादन में प्रथम स्थान किस सब्जी का है, टमाटर, प्याज, आलू, बैंगन। तो दोस्तों जो प्रथम स्थान है क्षेत्रफल व उत्पादन में वो है आलू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, आलू। और दोस्तों सेकंड स्थान है प्याज, और दोस्तों थर्ड नंबर पर आता है टमाटर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सर्वाधिक प्याज उत्पादन वाला राज्य है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्याज उत्पादन वाला राज्य महाराष्ट्र है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 12,
बोने पौधों की ऊंचाई बढ़ाने में सहायक है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथेलिन। तो दोस्तों जो बोने पौधे होते हैं उनकी ऊंचाई बढ़ाने में जिब्रेलिन सहायक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 13, पत्ता गोभी का खाया जाने वाला भाग है कर्ड, हेड, ए और बी, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो पत्ता गोभी का जो खाया जाने वाला भाग है उसको हेड कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, हेड। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान का एकमात्र उद्यानिकी व वानिकी महाविश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, कोटा, झालावाड़, जयपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, झालावाड़। दोस्तों राजस्थान का एकमात्र उद्यानिकी व वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, लहसुन में गंधक का कारण है एंथोसाइन, एलाइसिन, केरोटीन, टेनिन। तो दोस्तों जो लहसुन में गंधक का कारण है वो एलाइसिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एलाइसिन। क्वेश्चन नंबर 16, मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग होने का कारण है फॉस्फोरस की अधिकता, फॉस्फोरस की कमी, कैल्शियम की अधिकता, कैल्शियम की कमी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों बात करते हैं लास्ट वीडियो के प्रीवियस क्वेश्चन की कि उसका आंसर क्या था और उसका आंसर किस किसने सही दिया है। बिल्ली की गर्भकाल अवधि होती है, तो दोस्तों उस क्वेश्चन का राइट आंसर था बी, 50 दिन। दोस्तों जिन्होंने भी इसका आंसर दिया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उनका नाम है नितिन कुमार, महेंद्र सिंह एग्रीकल्चर टेक्निकल बॉय, विष्णु शर्मा, विष्णु दत्त, अलमुद्दीन खान, हर्ष सिंह, चरण सिंह, हिमांशु गोयल, सुनील धाखड़, पिंकी, पूजा चौधरी, गोयल प्रकाश, कंचन, रीचा पांडे, रजनीश कुमार, आलोक पटेल ए टू जेड एग्रीकल्चर, कुमार विशाल, अजय कुमार। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर दिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों आप और अधिक वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि दोस्तों हर एग्रीकल्चर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।